राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के बाद धर्मनगरी चित्रकूट 7 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। चित्रकूट के दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर होगा। इसकी मुख्य बैठक 9 से 12 जुलाई तक होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 दिवसीय दौरे पर मंगलवार सुबह 6 बजे प्रभु श्री राम की तपोभूमि पहुंचे। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से उतरते ही संघ पदाधिकारियों और प्रशासनिक अमले ने उनकी अफगानी की। इसके बाद वे दीनदयाल शोध संस्थान के प्रकल्प आरोग्य धाम के लिए निकल गए। 9 जुलाई को शुरू होने वाली बैठक से 3 दिन पहले ही वे चित्रकूट पहुंचे हैं। गौरतलब है कि आरोग्य धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 9 से 12 जुलाई तक चिंतन शिविर है, जिसमें अखिल भारतीय संघ टोली के सभी पदाधिकारी और क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे। भागवत 9 और 10 जुलाई को होने वाले क्षेत्रीय प्रचारकों की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद 10 और 11 जुलाई को प्रांतीय प्रचारकों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए 300 प्रचारक ऑनलाइन इस बैठक से जुड़ेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।